हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आ चुका हूँ आपके लिए एक और अमेजिंग और धमाकेदार वीडियो लेके गाइस। और आज मैं लेके आऊंगा एक बिगेस्ट कलेक्शन ऑफ यूनिकॉर्न सेट गाइस। और आज की वीडियो होने वाली है काफी अमेजिंग गाइस, बिना स्किप करे पूरी वीडियो एंड तक देखना, फिर आप मुझे कमेंट करके बताना आपको यूनिकॉर्न सेट कैसा लगा गाइस, और इन यूनिकॉर्न सेट में सबसे अच्छी चीज क्या लगी गाइस। वीडियो अच्छी लगे तो कर देना वीडियो को लाइक दोस्तों, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब कर रखा तो थैंक यू सो मच बिग फैमिली की तरफ से। तो चलो शुरू करते हैं आज का कलेक्शन। तो सबसे पहले है गाइस हमारे पास यूनिकॉर्न का ये सुंदर सा और काफी प्यारा सा पीटी सा पेंसिल पाउच गाइस। इस पेंसिल पाउच को मैंने 160 रुपीस की परचेज करी है, निकालता हूं बॉक्स से आपको दिखाता हूं ये पाउच। दोस्तों ये काफी जबरदस्त है, काफी अमेजिंग पाउच है, और आपको भी काफी अच्छा लगेगा पाउच। तो ये देखो दोस्तों, पहले तो लुक देख लो इस पेंसिल पाउच की, काफी जबरदस्त है, काफी अमेजिंग है कपड़े लुक में दोस्तों ये पेंसिल पाउच। और मोटाई देख सकते हो दोस्तों, कितना मोटा ये पेंसिल पाउच है। और इसका की चैन देखो दोस्तों, कितना जबरदस्त है, देख सकते हो कितना अमेजिंग किचन मिल गया दोस्तों। और इसमें हमें जिप मिल जाती है, इस जिप को इस तरह ओपन करेंगे और इसके अंदर भी दोस्तों हमें काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है। और इस पॉकेट के ऊपर देख सकते हो दोस्तों, कितना अच्छा डिजाइन बना है, काफी सुंदर डिजाइन है गाइस, स्पेस काफी अच्छा है गाइस। और सेकंड जिप मिलती है, सेकंड जिप बिल्कुल नॉर्मल सी है, फर्स्ट जिप काफी अच्छी है, यानी हमें फर्स्ट जिप पे दोस्तों एक किचन मिल जाता है दोस्तों। चलो इस वाली जिप को ओपन करते हैं, अंदर का स्पेस देखते हैं। तो अंदर का स्पेस आप देख सकते हो कितना जबरदस्त और कितना ज्यादा गहराई है दोस्तों, जिसमें हमारा काफी सारा स्टडी मटेरियल भी आ जाएगा दोस्तों। तो ये पेंसिल पाउच आपको कैसी लगी, 160 रुपीस की परचेज करी थी मैंने, आपको कैसी लगी दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट चीज दिखाता हूं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास बिल्कुल सिंपल सी प्यारी सी सुंदर सी एक पेंसिल पाउच है, फर वाली पेंसिल पाउच है दोस्तों, काफी सुंदर है, कलरफुल पेंसिल पाउच है। और इसका कीचेन देखो दोस्तों, कीचेन पे दिल बना है, काफी सुंदर है, काफी अमेजिंग लग रहा है, काफी सॉफ्ट ये पेंसिल पाउच है दोस्तों। चलो इसकी जिप ओपन करते हैं, देख सकते हो दोस्तों कितना जबरदस्त है, और स्टील का कीचेन मिल जाता है दोस्तों। जिप ओपन करते हैं, जिप ओपन करते गाइस हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलता है, स्पेस काफी अच्छा मिल जाता है, और अंदर की क्वालिटी भी दोस्तों काफी जबरदस्त है, काफी अमेजिंग दोस्तों ये पेंसिल पाउच है दोस्तों। केवल मैंने इसे 100 रुपीस की परचेज करी है। चलो साइड रखता हूं, नेक्स्ट चीज दिखाता हूं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास ये यूनिकॉर्न का पेंसिल और इरेजर सेट दोस्तों। इसमें हमें पेंसिल भी मिल जाती है, और कितने 6 तो मिलती है पेंसिल, 4 इरेजर मिलती है, 1 शार्पनर मिलता है, 1 रूलर मिलता है, और 1 ग्रिप मिल जाती है पेंसिल ग्रिप। तो चलो इसे ओपन करता हूं, इसे मैंने 130 रुपीस का परचेज किया इस सेट में, और पेंसिल दिखाता हूं और आपको इरेजर ये सब कुछ दिखाता हूं दोस्तों इसके अंदर का। तो निकाल लेते हैं बॉक्स से और देखते हैं दोस्तों कैसी चीज है इसके अंदर। तो टेप हटानी पड़ेगी, तो टेप सबसे पहले इसकी टेप हटा लेते हैं दोस्तों, टेप हटा लिया, और इससे पेंसिल एंड इरेजर सेट देखते हैं कैसा है। तो ये देखो वाओ यार, काफी अमेजिंग। तो इसके अंदर ये देख सकते हो दोस्तों हमें कुछ चीजें मिल गई। चलो सबसे पहले तो आपको दिखाता हूँ पेंसिल। तो इसके अंदर गाइस हमें टोटल मिलती है 1 2 3 4 5 6 तो पेंसिल मिल जाती है, और दो दो कलर की पेंसिल है, 2 येलो कलर की पेंसिल मिल गई, 2 पिंक कलर की पेंसिल मिल गई, 2 ब्लू कलर की पेंसिल मिल गई। और आप एक चीज देख नोटिस करो दोस्तों, ये क्या है, इन पेंसिल के पीछे दोस्तों हमें इरेजर भी मिल जाती है। ये देखो दोस्तों काफी जबरदस्त है, काफी अमेजिंग है, और इसका साइज देख सकते हो दोस्तों पेंसिल का कितना जबरदस्त है। और ये देखो वुडन पेंसिल मिल गई, काफी अच्छी क्वालिटी की दोस्तों हमें पेंसिल मिल गई दोस्तों, काफी अमेजिंग, काफी सुंदर। और क्या मिलता है, तो इसके अंदर ये रूलर देखो दोस्तों, कितना सुंदर 10 सेंटीमीटर का रूलर मिल गया, और काफी अच्छे और काफी डिफरेंट क्वालिटी का दोस्तों इसके अंदर हमें रूलर मिल गया दोस्तों, काफी जबरदस्त। और क्या मिलता है इसके अंदर, बिल्कुल सिंपल सा सोवर सा दोस्तों, 1 मिल जाता है हमें शार्पनर, और इसके अंदर मिलते हैं हमें 4 इरेजर। तो आप देख सकते हो 1 गाइस पिंक कलर का घोड़ा मिलता है जो है इरेजर दोस्तों, ये देखो, और 1 मिलता है ग्रीन कलर का घोड़ा दोस्तों, और ये भी यूनिकॉर्न है दोस्तों, ये घोड़े नहीं है ये यूनिकॉर्न है। 1 गाइस हमें ग्रीन कलर का इरेजर मिलता है, 1 पिंक कलर का, देख सकते हो दोस्तों काफी अच्छी क्वालिटी के इरेजर मिल गए, काफी डिफरेंट और काफी यूनिक इरेजर दोस्तों। और क्या मिलता है इसके अंदर, और इसके अंदर गाइस हमें मिलते हैं 2 इरेजर, और ये मछली लुक में दोस्तों काफी जबरदस्त और काफी अमेजिंग यार, काफी अच्छा मिल गया। और 1 मिल गया गाइस हमें इसके अंदर 1 ग्रिप पेंसिल ग्रिप दोस्तों, ये देख सकते हो पेंसिल ग्रिप मिल गया दोस्तों इसके अंदर। और ये कौन सी मछली लग रही है दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो 130 रुपीज का ये सेट खरीदा था, आपको ये सेट कैसा लगा, और इस सेट में आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगी ये भी दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट चीज दिखाता हूं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास यूनिकॉर्न का ये पेंसिल पाउच दोस्तों, ये भी काफी सुंदर है, और इसका कीचेन देखो दोस्तों कितना जबरदस्त और कितना अमेजिंग है। चलो ओपन करके दिखाता हूं, और इसे मैंने केवल 160 रुपीज का परचेज किया, इसे भी 160 रुपीज का परचेज किया, और इसे भी 160 रुपीज का परचेज किया। इसका कीचेन देखो दोस्तों कितना जबरदस्त है, और इसका भी कीचेन देखो दोस्तों कितना अमेजिंग है। आपको इन दोनों कीचेन में से सबसे अच्छा कीचेन कौन सा लगा प्लीज दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब बात करते हैं अंदर के स्पेस की, तो पहले जिप को ओपन करते हैं, पहले जिप को ओपन किया तो ये नेट वाला
वाला पॉकेट है दोस्तों, काफी जबरदस्त, जिसके ऊपर यूनिकॉर्न की फोटो छपी है दोस्तों। स्पेस की बात करते हैं तो स्पेस भी काफी जबरदस्त है, ये देखो दोस्तों स्पेस काफी जबरदस्त है, और इसमें हमारा काफी सारा स्टडी मटेरियल भी आ जाएगा दोस्तों। काफी अच्छी क्वालिटी का पेंसिल पाउच है। सेकंड जिप को ओपन करते हैं, सेकंड जिप बिल्कुल सिंपल सी है दोस्तों। इसकी जिप थोड़ी सी ठीक ठाक थी दोस्तों, स्टाइलिश थी, बट इसकी जिप दोस्तों सेकंड वाली बिल्कुल सिंपल है। इसे ओपन करके दिखाता हूँ। अंदर के स्पेस की बात करते हैं तो अंदर काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है और काफी सारा स्टडी मटेरियल आ जाएगा दोस्तों हमारे इस पेंसिल पाउच के अंदर। चलो इसे साइड रखते हैं, नेक्स्ट दिखाता हूँ। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास जंबो ज्योमेट्री बॉक्स, वो भी कैलकुलेटर वाला, और कैलकुलेटर वाला जंबो ज्योमेट्री बॉक्स तो हमें मिलता ही नहीं है, और इतना अमेजिंग और इतना जबरदस्त कैलकुलेटर देख लो पहले दोस्तों, कितना जबरदस्त है। इसे मैंने 250 या 300 रुपीज का परचेज किया है, और ये तो इसके अंदर का कैलकुलेटर, तो ऑन ऑफ का बटन ये रहा, ऑन कर लिया, ऑफ का बटन ये है दोस्तों, और देख सकते हो क्वालिटी कितनी जबरदस्त है। चलो कुछ ऐड करते हैं, कुछ कैलकुलेट करते हैं, तो 6 करते हैं, 6+6=12, देखो 12 आ गया। कैलकुलेटर देख सकते हो कितना अमेजिंग है, यूनिकॉर्न का ये जंबो ज्योमेट्री बॉक्स है, काफी बड़ी ज्योमेट्री बॉक्स है, देख सकते हो कितना अमेजिंग है। फ्रंट में हमें कैलकुलेटर मिल गया, और 1, 2, 3, 4 बटन मिल गया। इन चारों बटन का यूज देखते हैं, फटाफट देखते हैं दोस्तों। एक पहले बटन को दबाया तो एक बटन को दबाते ही देखो दोस्तों हमें यहाँ मिलता है एक शार्पनर, और ये शार्पनर एक ट्रे के अंदर है, और ट्रे देख सकते हो दोस्तों कितना बड़ा ट्रे है दोस्तों, काफी सुंदर और काफी गजब का यार, काफी जबरदस्त। सेकंड बटन को दबाते हैं, सेकंड बटन को दबाते ही छोटा सा कंपार्टमेंट निकलता है। स्पेस की बात करें तो स्पेस काफी जबरदस्त है। इन सारी चीज को हम रखेंगे, ये सारी चीज आ जाएगी, ये देखो इसके अंदर, ये देखो इसके अंदर आ जाती है बहुत ही इजीली से। ये भी रख देंगे और ये भी घुसा देंगे, देखो आ गई, और भी चीजें घुस जाएगी, ये हमारा शार्पनर तक घुस जाएगा इतना मोटा, और इसे बंद कर देंगे। स्पेस देख सकते हो दोस्तों कितना जबरदस्त है, कितना अमेजिंग है, और खुल भी जाएगा, ये देखो कितनी सारी चीजें इसके अंदर आ गई। स्पेस तो आप समझ ही सकते हो कितना ज्यादा है इस छोटे से कंपार्टमेंट के अंदर। चलो इन दोनों बटन को दबाते हैं, देखते जाए तो इस बटन को दबाया तो छोटा कंपार्टमेंट निकलता है, पतला सा कंपार्टमेंट निकलता है, इसके अंदर हम अपनी छोटी छोटी चीजें रख सकते हैं। इस वाले बटन को दबाते हैं तो सेम कंपार्टमेंट निकलता है दोस्तों, ये देख सकते हो काफी अमेजिंग है, काफी जबरदस्त है। कैलकुलेटर देख लिया, इन चारों बटन का भी यूज देख लिया क्या है। चलो ढक्कन को ओपन करते हैं, ढक्कन ओपन करते कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलता है, और इसमें गाइस हमें क्या मिलता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो पेंसिल लॉक मिल जाते हैं, और ऐसा पेंसिल लॉक दोस्तों में किसी भी ज्योमेट्री बॉक्स में नहीं मिलता, और 6 पेंसिल लॉक है दोस्तों, सब में 4 या 5 पेंसिल लॉक मिलते हैं, इसमें हमें 6 पेंसिल लॉक मिल गया, और स्पेस काफी जबरदस्त है। और ये देखो दोस्तों ये क्या है, इसके अंदर गए 3 तो मिल गए पेन स्टैंड, वाओ यार काफी जबरदस्त पेन स्टैंड लॉक मिल गया दोस्तों, काफी जबरदस्त, काफी अमेजिंग, और ऐसा पेन स्टैंड तो हमें किसी भी ज्योमेट्री बॉक्स में नहीं मिलता, काफी अमेजिंग। और यहाँ देखो 2 बटन और है, और ये देखो 2 मैग्नेट भी मिल जाते हैं इसके अंदर, इन दोनों बटन को दबाते हैं, ये देखो ओहो वाओ एक कंपार्टमेंट ओपन होता है, ये तो हिडन कंपार्टमेंट है दोस्तों, वाओ काफी जबरदस्त, और इसके अंदर तो हम अपने कॉइन भी रख सकते हैं, और किसी को पता भी नहीं चलेगा दोस्तों ये कंपार्टमेंट है और इसके अंदर हमारे कॉइन है, काफी जबरदस्त। चलो इस वाले बटन को दबाते हैं, देखते क्या होता है। तो इस बटन को दबाया तो कुछ भी नहीं हो रहा दोस्तों, नहीं हुआ हुआ, हुआ। ये देखो दबाते देखो ये क्या हुआ दोस्तों, वाओ इस नीचे से कंपार्टमेंट निकला, देख सकते हो दोस्तों जिसके अंदर गाइस हम अपना स्टडी मटेरियल रख सकते हैं, ये देखो काफी अच्छा, और इसके अंदर गाइस हम पेंसिल रख सकते हैं और स्केच पेन रख सकते हैं या पेन भी रख सकते हैं, काफी अच्छा स्पेस है दोस्तों, और ये तो हिडन कंपार्टमेंट है, काफी जबरदस्त, काफी अमेजिंग दोस्तों। चलो इसे बंद करते हैं, बैक साइड की बात करते हैं। बैक साइड में दोस्तों हमें नेम और क्लास की एक चिट मिल जाती है, जिसमें अपना नाम और क्लास लिख सकते हैं। एक ढक्कन मिलता है, यूनिकॉर्न की फोटोज मिल जाती है, काफी जबरदस्ती। तो ढक्कन ओपन करते हैं, ढक्कन ओपन करते कुछ इस तरह इंटरफेस मिलता है, 2 कंपार्टमेंट मिल जाते हैं, काफी गहरा कंपार्टमेंट है, एक बिल्कुल हल्का सा कंपार्टमेंट है। तो आपको ये जंबो ज्योमेट्री बॉक्स कैसी लगी दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और मुझे तो इसका कैलकुलेटर ना काफी जबरदस्त लगा, आपको अगेन दिखा देता हूँ। चलो 9 को डिवाइड करते हैं 3 से, कितना आया आंसर, मेरे ख्याल से 3 आना चाहिए, तो 3 आंसर आ गया, ये देखो काफी जबरदस्त और काफी अच्छी क्वालिटी का इसमें कैलकुलेटर मिल गया। चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट दिखाता हूँ। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास ये यूनिकॉर्न का क्या है, हमारे पास यूनिकॉर्न का ये काफी जबरदस्त और काफी अमेजिंग फर वाली एक डायरी, वाओ यार ये देख सकते हो काफी जबरदस्त, और आपको लग रहा था ये डायरी है, ये देखो दोस्तों इसके अंदर हमें मिल जाती है डायरी, और डायरी के पेजेस भी देख सकते हो कितने जबरदस्त है, और सबसे अच्छी बात है गाइस ये डायरी जब भर जाएगी ना तो हम इसके कपड़े भी चेंज कर सकते हैं दोस्तों, फिर इसकी जगह हम दूसरी डायरी लगा सकते हैं, काफी जबरदस्त है। केवल मैंने 80 रुपीज की परचेज करी, आपको कैसी लगी दोस्तों ये डायरी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। पेजेस की क्वालिटी भी काफी ज्यादा है, काफी अच्छी है, और पेजेस भी काफी ज्यादा है दोस्तों इसके अंदर दोस्तों। चलो साइड रखते, नेक्स्ट ही दिखाता हूँ। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास ये देखो, वाओ यार पेन, ये देख सकते हो दोस्तों कितना जबरदस्त पेन है, चलो दिखाता हूँ। तो ये देखो ये फर वाला पेन है, और इसके अंदर दोस्तों हमें कितने रिफिल मिल जाते हैं, इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 रिफिल मिल जाती है गाइस इस
फर के अंदर यूनिकॉर्न का है। और सबसे अच्छी बात है जब भी हम लिखेंगे ना तो हमारे हाथ दर्द नहीं होंगे इस फर के वजह से। आप देख सकते हो काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी अमेजिंग। चलो एक रिफिल को चला के देखते हैं। रेड रिफिल को नीचे किया तो रेड रिफिल देखो दोस्तों कितना ज़बरदस्त चल रहा है और कितना स्मूथली भी चल रहा है ये दोस्तों पेन। तो काफ़ी ज़बरदस्त पेन है। चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट दिखा दो। नेक्स्ट है गाइज हमारे पास ये पिगी बैंक। दोस्तों हमारे पास दो पिगी बैंक है, आप कमेंट करके बताना आपको इन दोनों पिगी बैंक में कौन सा पिगी बैंक बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो देख सकते हो काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी अमेजिंग पिगी बैंक है, काफ़ी लंबा पिगी बैंक है, यूनिकॉर्न का पिगी बैंक है। और इस जगह से गाइज हम अपने कॉइन या अपने मनी डाल सकते हैं इसके अंदर दोस्तों। और ये देखो दोस्तों इसमें हमें थर्माकोल बॉल मिल गई जो काफ़ी अमेजिंग लुक लग रहा है। और सबसे अच्छी बात है इसका हैंडल, ये देखो दोस्तों इसमें दो रस्सी मिल गई जिसे हम काफ़ी इजी से कैरी कर सकते हैं अपने इस पिगी बैंक को दोस्तों, काफ़ी ज़बरदस्त है। और इस पिगी बैंक को हम पासवर्ड से ही ओपन कर पाएंगे, नहीं तो ये ओपन नहीं होगा। तो पासवर्ड हम 00 डाल देंगे दोनों इसमें और फिर इस बटन को दबाएंगे, फिर ये ढक्कन ओपन हो जाएगा, यानी ये लॉक ओपन हो जाएगा और फिर हम ढक्कन को ओपन कर लेंगे। ढक्कन ओपन करते स्पेस देख सकते हो दोस्तों कितना ज़बरदस्त, कितना अमेजिंग है दोस्तों इस पिगी बैंक का। और पिगी बैंक रखना किसे किसे पसंद प्लीज दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। और मैं भी तो देखूं किसे किसे मनी सेविंग करना पसंद है दोस्तों, प्लीज कमेंट में लिखना ये मनी सेव करना पसंद है, ब्रैकेट में अपना नाम जरूर लिखना दोस्तों। तो चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट पिगी बैंक दिखाता हूं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास ये हाउस वाला पिगी बैंक दोस्तों, काफी जबरदस्त है, काफी अमेजिंग है दोस्तों। और ये मैट स्टील का है और ये भी पिगी बैंक स्टील का है गाइस, ये सिंपल सा है। इसमें भी दोस्तों हमें इसमें हमें ये लॉक मिल जाता है, इसमें ताले वाला लॉक मिलता है, इसमें हमें पासवर्ड वाला लॉक मिलता है दोस्तों। चलो ओपन करके दिखाता हूं अंदर का स्पेस, तो ये देख सकते हो काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी अमेजिंग है। इसमें दो चाबी मिल जाती है, एक हम छुपा देंगे एक हम अपने पास रख लेंगे दोस्तों। तो ये काफ़ी अच्छा है। स्पेस की बात करें तो स्पेस भी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो वैसे तो स्पेस तो मेरे ख्याल से इस वाले में काफ़ी अच्छा है। आपको कौन सा पिगी बैंक ज़्यादा अच्छा लगा? इसे मैंने 300 रुपीज़ का परचेज़ किया, इसे मैंने 150 रुपीज़ का परचेज़ किया। आप बताओ दोस्तों आपको कौन सा पिगी बैंक ज़्यादा अच्छा लगा? चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट ही दिखाता हूँ। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास ये पेंसिल पाउच दोस्तों, ये भी काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी अमेजिंग है। इसे भी मैंने 160 रुपीज़ का परचेज़ किया है। ओपन करके दिखाता हूँ इस पेंसिल पाउच में कितना स्पेस है और कैसी पेंसिल पाउच है दोस्तों। ये देखो तो देख सकते हो बिल्कुल सिंपल सी है पेंसिल पाउच, बट इसमें दोस्तों हमें मिलता है एक लॉक, ये देखो दोस्तों एक लॉक मिल जाता है, पासवर्ड वाला लॉक मिल जाता है। इससे गाइस हम अपने किचन में लॉक लगा सकते हैं दोस्तों, ये देखो दोस्तों इसे निकाल भी सकते हैं और इस लॉक को हम कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं और इसे फिर हम अपने इस किचन में लगा के लॉक और फिर इसके साथ लॉक करके रख सकते हैं, जिससे हमारा कोई भी स्टेशनरी नहीं निकाल सकता दोस्तों। काफ़ी ज़बरदस्त लॉक मिल जाता है इसमें दोस्तों, और दो जिप मिल जाती है, एक छोटी जिप है दोस्तों एक बड़ी जिप है दोस्तों इसके अंदर। और सबसे अच्छी बात है इसका हैंडल है जिसे बहुत ही इजी से कैरी भी कर सकते हैं इस पेंसिल पाउच को, बट ये लॉक है ना वो काफ़ी अमेजिंग है। और लॉक तो हमें किसी भी पेंसिल पाउच में नहीं मिलता, इस वाली पेंसिल पाउच में हमें लॉक मिल गया दोस्तों। चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट ही दिखाते हैं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास बिल्कुल छोटी सी नन्नी सी प्यारी सी बहुत ही अच्छी सी 80 रुपीज़ की पेंसिल बॉक्स है, परचेज करिए यूनिकॉर्न की, दिखाता हूँ दोस्तों और आपको भी काफ़ी अच्छी लगेगी ये पेंसिल बॉक्स दोस्तों। तो चलो ओपन करके दिखाता हूँ। ये छोटे सी जोमेटो बॉक्स में हमें मिलते कई सारे कंपार्टमेंट, ये देखो पहले तो ये ढक्कन ओपन कर रहा है, ढक्कन ओपन करते स्पेस देख सकते हो कि काफ़ी ज़बरदस्त। इसके अंदर एक स्टिकर मिलता है जिसके अंदर गाइस हम अपना टाइम टेबल शेड्यूल लिख सकते हैं और एक अल्फाबेट्स भी मिल गए इसके अंदर और टेबल भी मिल गए इस स्टिकर के अंदर दोस्तों, काफ़ी ज़बरदस्त काफ़ी अमेजिंग। और स्पेस की बात करते हैं, स्पेस भी काफ़ी अच्छा है इस ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर। चलो सेकंड ढक्कन ओपन करते हैं, सेकंड ढक्कन ओपन करते ही गाइस हमें इसके अंदर 1 2 3 4 5 पेंसिल लॉक मिल गए। स्पेस की बात करते हैं तो दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त स्पेस है और आप देख सकते हो हमारी पेंसिल को, देखो इस पेंसिल को हम इस तरह से लॉक करके रख सकते हैं हम अपने इस ज्योमेट्री बॉक्स में, पेंसिल बिल्कुल अच्छे से लॉक हो जाएगी और हमारी पेंसिल उधर उधर भागेगी भी नहीं दोस्तों। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के इसमें हमें पेंसिल लॉक मिल गया, स्पेस भी काफ़ी अच्छा मिल गया। आपको कैसी लगी ये ज्योमेट्री बॉक्स दोस्तों, प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो नेक्स्ट चीज़ दिखाता हूँ। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास यूनिकॉर्न का ये स्टेशनरी सेट दोस्तों, काफ़ी ज़बरदस्त है, छोटा सा स्टेशनरी सेट है, 150 रुपीज़ का परचेज किया। और इस छोटे से स्टेशनरी सेट में देखना क्या क्या चीज़ें मिलेगी, वो आप आगे देखना। तो इसे ओपन करता हूँ और दिखाता हूँ ये स्टेशनरी सेट दोस्तों। तो इसे ओपन करता हूँ और ये देखो ये तो स्पेल फाड़ लिया अच्छे से और इसके निकालते हैं गाइस स्टेशनरी आइटम सारी और देखते हैं ये कैसी है। तो देखो दोस्तों इसके अंदर ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो इसके अंदर गाइस हमें भी तो मिलती है एक यूनिकॉर्न की ज्योमेट्री बॉक्स काफ़ी अच्छी थी, और जिसके पीछे अल्फाबेट मिल जाता है, टेबल देखने को मिल जाते हैं, यूनिकॉर्न के फोटोज देखने को मिल जाते हैं, डिज़ाइन देख सकते हो दोस्तों कितना ज़बरदस्त है इसके ऊपर यूनिकॉर्न्स के दोस्तों। ढक्कन ओपन करते हैं, ढक्कन ओपन करते कुछ इस तरह इंटरफेस मिलता है, स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाता है इस ज्योमेट्री बॉक्स में। और सबसे अच्छी बात है ये मेटल की है दोस्तों, टूटेगी भी नहीं। और गाइस हमें मिलता है इसके अंदर दो दो वुडन पेंसिल यूनिकॉर्न की, ये देख सकते हो दोनों पेंसिल के ऊपर यूनिकॉर्न की फोटोज छपी है देख सकते हो। और क्या मिलता है इसके अंदर, एक मिलता है गाइस काफ़ी सुंदर सी एक हमें यूनिकॉर्न की डायरी, ये देखो दोस्तों डायरी मिल जाती है, छोटी सी डायरी है यूनिकॉर्न की, काफ़ी अच्छी पिक्चर्स
बनी है इस डायरी के ऊपर भी दोस्तों। एक हमें मिल जाता है इसके अंदर शार्पनर और एक मिल जाता है गाइस ये देख सकते हो यूनिकॉर्न का इरेजर। इरेजर की क्वालिटी देख सकते हो दोस्तों कितनी जबरदस्त और कितनी अमेजिंग है। देखो दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त। और क्या मिलता है इसके अंदर? और मिलता है गाइस एक रूलर दोस्तों, और रूलर के ऊपर दोस्तों यूनिकॉर्न की काफ़ी अच्छे डिज़ाइन बने हैं। और 15 सेंटीमीटर का रूलर मिल जाता है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का दोस्तों रूलर भी मिल जाता है 150 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। ये बताओ कैसा लगा आपको ये स्टेशनरी सेट? चलो नेक्स्ट चीज़ दिखाता हूँ। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास सब कुछ दिखा दिया आपको और एक चीज़ और बची। हाँ ये है गाइस हमारे पास काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी प्यारी सी यूनिकॉर्न की ज्योमेट्री बॉक्स दोस्तों। काफ़ी सुंदर सी ज्योमेट्री बॉक्स है और इस ज्योमेट्री बॉक्स में ना हमें 3 पासवर्ड मिलते हैं दोस्तों। 3 पासवर्ड से ये ज्योमेट्री बॉक्स ओपन होगी और 2 लॉक मिलते हैं। इन दोनों लॉक को दबाने से ही ढक्कन ओपन होगा। ऊपर वाला लॉक को दबाएंगे तो ऊपर वाला ढक्कन ओपन होगा, नीचे वाले लॉक को दबाएंगे तो नीचे वाला ढक्कन ओपन होगा। पासवर्ड क्या हमारा 188 है, तो 1A1 को ऊपर कर देंगे दोस्तों, फिर 1 को ऊपर कर देंगे है ना, और फिर 8 को कर देंगे, फिर ऊपर वाले ढक्कन को दबाएंगे फिर ऊपर वाला ही ढक्कन ओपन होगा दोस्तों। यानी ऊपर वाले लॉक को दबाया ऊपर वाला ढक्कन होगा, नीचे वाले लॉक को दबाएंगे तो नीचे वाला ढक्कन ओपन होगा। देखो ना काफ़ी अमेजिंग है। और ऐसा तो दोस्तों हमें काफ़ी कम ज्योमेट्री बॉक्स मिलता है। तो इस वाले लॉक को ऊपर वाले लॉक को ओपन करते हैं, ढक्कन ओपन करते हैं, अंदर कुछ इस तरह इंटरफेस मिलता है, लॉक मिल जाता है, पेंसिल लॉक मिल जाता है इसके अंदर, पेंसिल लॉक मिल जाता है। और कितने पेंसिल लॉक मिलते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 पेंसिल लॉक मिल जाता है। और फ्रंट में गाइस हमें नेविगेशन मिल जाता है, 2 बटन मिल जाते हैं, 1 बटन से दोस्तों शार्पनर ऊपर आता है, 2nd बटन से दोस्तों एक छोटा सा कंपार्टमेंट निकलता है दोस्तों। चलो इसे बंद करते हैं, बैक साइड की बात करते हैं। तो बैक साइड वाले लॉक को दबाते हैं तो इसमें दोस्तों हमें ढक्कन ओपन हो गया और कुछ इस तरह इंटरफेस मिलता है, स्पेस काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है और इसमें हमें टेबल भी देखने को मिल जाता है ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त है। इसे मैंने कितने 180 या 200 रुपीज़ के परचेज करी है दोस्तों। ज्योमेट्री बॉक्स आपको कैसी लगी दोस्तों प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों आज का था ये कलेक्शन। आज के कलेक्शन में आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी दोस्तों प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो कर देना वीडियो को लाइक, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगे तो कर देना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से वीडियो के साथ, अच्छे से कलेक्शन के साथ, अच्छे से टॉय अनबॉक्सिंग के साथ। अगर आपको किसी भी टॉय अनबॉक्सिंग किसी भी कलेक्शन की वीडियो देखनी है तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो, मैं उस कलेक्शन की वीडियो जरूर लेकर आऊँगा भाई। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे वीडियो के साथ, जब तक बाय बाय दोस्तों।